की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में पुलवामा में से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। तीनों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सुरक्षा बल तीनों से पूछताछ कर रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रही है पुलवामा से, जहां पर सेना और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जानकारी इनके बारे में ये मिल रही है कि ये आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। मौके से भारी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत है हमारे साथ श्रीनगर से, इसके अलावा कोमल है। रिफत के पास हम जाएंगे। रिफत, ये तीनों का पकड़ा जाना सेना और पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, और इनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए जसप्रीत, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि कहीं पे 3 लोग हैं जिनके पास हथियार हैं। उन्होंने कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कर दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जो इनसे पूछताछ की गई, उनके कब्जे से पिस्टल और बाकी जो सामान है वो बरामद किया गया। और आर्मी ने ये कहा कि पोटेंशियली बहुत डेंजरस चीज़ें जो हैं उनके कब्जे से बरामद की गई हैं। फिलहाल मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पुलिस और सेना इसमें लगी हुई है। हो सकता है कि कुछ और लिंक्स भी इनके साथ जुड़े हुए हों, पूछताछ के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल इस चीज़ की कन्फर्मेशन हुई है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो समझा जा रहा है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स हो सकते हैं मिलिटेंटों के, क्योंकि उनके कब्जे से पिस्टल्स जो है वो रिकवर किए गए हैं और बाकी सामान रिकवर किया गया है। क्योंकि एक नेटवर्क जो होता है ओवरग्राउंड वर्कर्स का, उनके पास पिस्टल होते हैं और उन्हें टास्क ये भी दिया जाता है कि कहीं पर वो टारगेटेड किलिंग्स भी करें। तो फिलहाल आर्मी और पुलिस ने यही बताया है कि 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, आप दोनों रहिए हमारे साथ। रिफत और कोमल आपके पास पहुंचेंगे बड़ी खबर। एक और बता दें, राजौरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई राजौरी में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश में बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल ने राजौरी और पुंछ जिलों के कई इलाकों की घेरेबंदी कर ली है। पुंछ में आतंकवादियों की तलाश के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती भी हो चुकी है। आतंकवादियों की तलाश में अलग अलग कंपनियों के जवानों को तैनात किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रही है, राजौरी में हुए आतंकी हमले से जुड़ी हुई राजौरी में सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश में इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बल ने राजौरी और पुंछ जिलों के कई इलाकों की घेरेबंदी की है। पुंछ में आतंकवादियों की तलाश के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती भी की गई है। आतंकवादियों की तलाश में अलग अलग कंपनियों के जवानों को तैनात किया गया है। तो आतंकवादियों की तलाश में पीर पंजाल में 15 जगहों पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नियंत्रण रेखा के करीब ऊपरी इलाकों में घेरेबंदी की गई है। सुरक्षा बल ने घने जंगल के इलाकों को चारों तरफ से घेरा हुआ है। इस ऑपरेशन के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। दरअसल ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जो इसको अंजाम दे रहा है, जिसमें स्पेशल फोर्सेज है, सीआरपीएफ के जवान है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसमें शामिल है। तो आप समझिए कि कितना बड़ा इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि जो ये इलाका है राजौरी के, जिस इलाके में ये आतंकी हमला होता है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहां पर झाड़ियां हैं, ऐसे में मुश्किलें जरूर पेश आ रही है सुरक्षा बलों को, लेकिन ऑपरेशन बहुत बड़ा है, जल्दी आतंकी पकड़े जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंक को जड़ से मिटाने में लगे हैं। जम्मू और घाटी संभाग में आतंकवादियों से लोहा लेने के समय हमारे बहादुर जवानों की शहादत हो रही है। आइए इस साल का एक आंकड़ा आपको हम बताते हैं, और आंकड़ों के जरिए हम समझेंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है। पुलवामा में एक जवान शहीद हुआ था फरवरी के महीने में। 5 अप्रैल की अगर हम बात करें, इसी साल पुंछ में ये हादसा होता है। अगस्त में कुलगाम में 3 जवान हमारे शहीद होते हैं। राजौरी में 5 जवान सितंबर महीने में शहीद होते हैं, और दिसंबर में जो पिछले हफ्ते हमला होता है 5 जवान शहीद होते हैं। लेकिन शहादत का बदला लिया जाएगा, और इसीलिए सबसे बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, रिफत है और कोमल है। कोमल, हमने आंकड़े बताए हैं, हालांकि आतंकी घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है वहां पर पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, इसी वजह से देरी हो रही है आतंकियों को पकड़ने में। बिल्कुल जसप्रीत, हमेशा ये देरी इसी वजह से होती है कि वहां पर झाड़ियाँ होती हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। हमने तस्वीरों में भी आपको 3-4 दिन से लगातार दिखाया कि वहाँ पर इतने घने जंगल हैं कि वहाँ पर अगर 10 कदम की दूरी पर भी जो हमारे जवान, जो हमारे सुरक्षा बल अंदर जाते थे, जंगलों में जाते थे आतंकियों को ढूंढने के लिए, तो वही हम इन्हीं को हम नहीं देख पाते थे। तो ऐसे में आतंकी इतना बड़ा हमला करके वहाँ से जब भागने में सफल हुए, वो कहाँ छुपे हैं? क्योंकि हमने ये भी सुना कि गुज्जर बकर वालों के कुछ कच्चे मकान हैं वहाँ पर, उन्होंने उनकी भी पनाह ली होगी। वहाँ जाना भी बेहद मुश्किल है, क्योंकि सुरक्षा बल अगर वहाँ पर जाते हैं तो हो सकता है आतंकियों के पास कुछ ऑटोमेटिक हथियार हो, तो वो हमला कर सकते हैं हमारे और
और जवानों का नुकसान हो सकता है। तो इसमें बहुत चौकन्ना रहकर जो अलग अलग कंपनियां वहां पर पहुंची हैं, बहुत चौकन्ना होकर ही वहां पर आप जो है वो जवान है वो वहां पर जाके छानबीन कर सकते हो। तो ऐसे में बेहद मुश्किलें आ रही हैं सुरक्षा बलों को आ रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस की। हालांकि क्यूआरटी टीम जो कि बेहद अहम मानी जाती है वो भी वहां पहुंची है, लेकिन यहां पर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि चारों तरफ से अगर इलाके को घेरा है तो आतंकी जाने से बच के नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि वहां से 25 के 26 किलोमीटर दूरी पर दूसरी पहाड़ी है, वहां सीधे वो पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो हो सकता है उन दिनों जब तक नेट सरकार ने बंद किया हो तो हो सकता है पाकिस्तानी आतंकी जो है वो भागने में भी सफल हुए हों, लेकिन अभी तक जो इलाके को घेरा है अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि आतंकी अभी कहीं गए नहीं है, क्योंकि लोकल लोगों की उनको मदद मिली है। आज तक जम्मू और पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा जो है वो बंद की हुई है। तो यहाँ से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस मैप के जरिए, जिस मैप की इंटरनेट की वर्चुअल नंबरों की मदद से ठीक है, तो वहां पर नेट बंद है, सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद यह है कि जल्द ही कोई अच्छी खबर वहां से मिलेगी। थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कल जम्मू का दौरा किया। इस बीच सेना प्रमुख ने सेना से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक भी की और मौजूदा हालात की समीक्षा की। इसके साथ ही सेना प्रमुख ने डेरा की गली का दौरा किया जहां 21 दिसंबर को आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। कल यानी 27 तारीख को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान राजनाथ सिंह सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और मौजूदा हालात की जानकारी लेंगे। सेना के अधिकारियों के साथ बैठक के समय सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा भी राजनाथ सिंह करेंगे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपने ये कल आर्मी चीफ का पुंछ दौरा देखा था, कल रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। रिफत और मेरी सहयोगी कोमल लगातार बने हुए हैं। रिफत, कल रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं जम्मू, क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है? देखिए जसप्रीत, बिल्कुल ये खबर है और कल आर्मी चीफ आए थे और उन्होंने भी जायजा लिया था सिक्योरिटी का। उससे लग रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर के अराइवल के लिए जो है वो भी तैयारियां की गई होंगी और कहां कहां पे वो जाएंगे। ऐसा समझा जा रहा है कि पहले वो जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद राजौरी पुंछ जाएंगे जहां पे इस तरीके के ऑपरेशन चले हैं और सेना को काफ़ी नुकसान भी हुआ है कुछ अटैक्स में। और उसके बाद ये समझा जा रहा है कि वो राजभवन जम्मू में एक मीटिंग करेंगे सुरक्षा के हवाले से, सुरक्षा की रिव्यू मीटिंग होगी और पूरे जम्मू कश्मीर में सूरत हाल क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और आर्मी जहां जहां पे भी तैनात है वहां पे सूरत हाल क्या है, कहां पे चैलेंजेस हैं, कहां पे और डिप्लॉयमेंट करनी है, कहां पे ट्रूप्स को विड्रॉ करना है और कहीं और जगह पे डिप्लॉय करना है, पूरी जानकारी ली जाएगी। और जिस तरीके से 3 लोगों की मौत भी हुई थी तो समझा ये जा रहा है कि उसका भी वो जायज़ा लेंगे कि किन हालात में उनकी मौत हुई। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पूरा जायज़ा सिक्योरिटी का लिया जाएगा और खासतौर से ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है पुंछ और राजौरी का, वहाँ पे जिस तरीके से मिलिटेंट अटैक्स हो रहे हैं या इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा। ठीक है कोमल, आर्मी चीफ कल पहुंचे थे, रक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं, पुंछ और राजौरी पर उनकी नजर रहेगी सुरक्षा व्यवस्था पर, इस वक्त क्या हालात है वहां पर? देखिए जसप्रीत, जब भी इससे पहले राजौरी में जो कंडी इलाके में आतंकी हमला हुआ था, 5 जवान शहीद हुए थे, तो उसी दिन रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे, उसी दिन उन्होंने बैठक की समीक्षा की थी। सारे जो अधिकारी थे सेना के उनके साथ उन्होंने बैठक की, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो ऑफिसर थे उन्होंने उनके साथ भी बैठक की। तो आज सेम आप देखिए, फिर आतंकी हमला होता है, आतंकी शहीद होते हैं, तो इसे लगता है कि ये चिंता का विषय सरकार के लिए भी है, उनके लिए भी है, क्योंकि जब जब इस तरह की शहादतें होती हैं रक्षा मंत्री का दौरा जरूर होता है। तो ऐसे में कल उनका जो दौरा होने वाला है ये बहुत खास, बहुत अहम दौरा है। आप देखिए इस समय जिस रास्ते से उन्होंने गुजरना है, हम बख्तरबंद गाड़ी के पास है, राजीव आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि इस वक्त एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक जो जम्मू का जो हाईवे, नेशनल हाईवे जहां से होके उन्होंने गुजरना है, तो हर रास्ते पे बख्तरबंद गाड़ियां लगी हैं, उनकी सारी तैयारियां हो रही है, बिल्कुल तैयारियां पूरी हो चुकी है। कल राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचने वाले हैं। आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।